मुझे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को धमका रहे हैं। लेकिन अब ये धमकीबाज बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च को संपन्न हो जाएगी और 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। भाइयों बहनों, जो ये उत्साह है आप लोगों का, ये उत्साह वास्तव में वास्तविक उत्साह है। मैं कल देख रहा था, जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको पांचवें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। वे बौखलाए हैं, परेशान हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। वैसे आप बहुत बुद्धिमान हैं, याद करना आजमगढ़ ने उन्हें सांसद चुना और कोरोना कालखंड में एक भी बार आजमगढ़ नहीं गए, इसलिए वहां से उन्होंने लड़ने का साहस नहीं किया। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। एक तो आप देख रहे होंगे, मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और बड़ी मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे कैसे वहां कुर्सी नहीं बैठ मिली और वहां मुंह लटकाए बैठा था, क्या दुर्गति थी, क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं, तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों, ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है।